आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए उक्त ज्ञापन में उल्लेख किया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शासकीय योजनाओं और कार्यों को शासकीय कर्मचारियों की तरह क्रियान्वित करती हैं, इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को शासकीय कर्मचारी घोषित कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। कमलनाथ सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के काटे गए 1,500 रुपये मानदेय को लागू कर भुगतान किया जाए। भारत सरकार के नियमानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 18,000 व सहायिका को 9,000 न्यूनतम वेतन प्रदान की जाए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों में बदलने पर कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी टीचर व सहायिका को प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के रूप में शिक्षा अनुभव व शैक्षणिक योग्यता अनुसार प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया जाए तथा प्रत्येक माह समय पर वेतन का भुगतान किया जाए।